दोस्तों ये वीडियो वही लोग देखना जो अपने घर में फ्लोरिंग करवाने जा रहे हैं, मतलब फिनिशिंग का काम चल रहा है कि आप नीचे टाइल लगवाओगे या मार्बल लगवाओगे, कैसे चूज करना है, क्या आपको जब टाइलिंग का वर्क हो जाता है तो उसमें जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सही से काम किया है कि नहीं किया है, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी होती है टाइल होने के दौरान, क्योंकि बिल आपको पैसे तो पूरे देने हैं, अगर उसने सही से काम नहीं किया है तो पैसे किस चीज़ के दोगे, तो वो चेकिंग मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कि ग्राउटिंग कैसे करनी है और कौन सी आपको ग्राउटिंग करनी होती है। फिर मैं बताऊंगा कि आप वॉल टाइल का क्या खर्चा पड़ेगा लेबर रेट, या फ्लोरिंग की टाइल का क्या खर्चा पड़ेगा लेबर रेट। फिर मैं बताऊंगा कि पेंट पहले करवाना है या टाइलिंग पहले करवानी है। तो मतलब पूरी वीडियो जो रहने वाली है टोटल फ्लोरिंग पे रहने वाली है, टाइल पे रहने वाली है। इस वीडियो को कभी मिस नहीं करना अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या घर में अपनी टाइलिंग करवा रहे हो। थोड़ी लंबी वीडियो है, थोड़ा टाइम आपका लूँगा, लेकिन इस वीडियो में इतना कुछ सीख के जाओगे कि आप खुद कमेंट में थैंकफुल होंगे कि हमने ये वीडियो देख ली, क्योंकि इससे आपका खर्चा भी काफ़ी बढ़ेगा और एक क्वालिटी के साथ काम होगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि यहां पे फ्री में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि मार्बल लगवाएं या टाइल लगवाएं, क्योंकि फ्लोरिंग लगने वाली है, कोई ये नहीं है कि 10-1-2 साल के लिए, 20 से 25 साल के लिए आपकी वो फिक्स होगी जो चीज़ लगेगी। अगर बाकी इंटीरियर की बात करें, वॉल पेंट है या जो भी है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरिंग चेंज नहीं होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों मार्बल आपको नहीं लगाना चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे, और लगाना है तो क्या चीज़ें देखनी है, और टाइल और मार्बल में से दोनों को कैसे चूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, दोनों का खर्चा कितना पड़ेगा, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो के बाद गारंटी है चूज़ कर लोगे कि आपको मार्बल लगाना है या टाइल लगाना है। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहली जो मैं देखो, मार्बल जो है नेचुरल बनता है, राजस्थान से मिल जाएगा, जहाँ काफ़ी जगह है, मोस्टली राजस्थान से हमारा मार्बल आता है। तो मार्बल में आपको कलर ऑप्शन क्या होंगे, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, येलो, उस मतलब जो नेचुरल कलर रहते हैं वो रहते हैं, लेकिन टाइल में आपको कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं। देखो चूज़ आपको करना होता है, देखो दिखने में सबसे ज़्यादा अच्छा मार्बल भी लगता है और आजकल टाइल भी अच्छी लग रही है, कोई इसमें नहीं है, क्योंकि टाइल में जो नई टाइल्स आई हैं, HD टाइल्स आई हैं, विट्रीफाइड, जो मतलब ऐसी लुक देती हैं कि मार्बल भी ऐसी लुक नहीं दे पाता है। तो मेन चीज़ होती है इसके डिसएडवांटेजेस दोनों के, कि खराब चीज़ें के, अच्छी तो बहुत चीज़ें हैं इनकी, अच्छी सब चीज़ें हैं, इनके कॉस्ट भी मैं आगे बताऊंगा, मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूं। सबसे पहली मैं डिसएडवांटेजेस, मतलब ख़राब क्यों है मार्बल, ऐसे तो काफ़ी चीज़ अच्छी है उसकी, ख़राब इसलिए है वो होता है पोरस, मतलब उसमें क्या पानी सोखने की क्षमता होती है, जो मार्बल होता है वो पानी सोखता है, और जैसे सामने आप देख रहे हो ना, ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मार्बल के केसेस में। होता क्या, मार्बल जब भी लेने जाते हो तो जो आपका वेंडर है, जो बेचने वाला है मार्बल, तो वो तो आपको नहीं बताएगा कि ये अच्छा है ये अच्छा, वो उसने लगा दिया, छोटे पैनल्स भी होंगे, छोटे छोटे पीसीस जो आते हैं, 2x2 के पीस रहते हैं, वो भी होंगे, बड़े भी होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घोटाला क्या हो रहा है, जो मार्बल आता है, कई घरों में आपने देखा होगा वो थोड़ा थोड़ा उखड़ने लग पड़ता है थोड़े टाइम बाद, क्योंकि जो नेचुरल मार्बल बनते हैं, जब मार्बल निकल के आता है, वो सब सही मार्बल नहीं निकलता, कईयों में क्रैक्स होते हैं, कईयों में कुछ है, तो वो अलग किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उस पर थोड़ा बहुत चिपकाया जाता है, जैसे अब देखो लकड़ी ख़राब हो तो उसमें फेविकोल और बूरा मिक्स करके किया जाता है, वैसे ही मार्बल में यही किया जाता है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मार्बल मिल गया तो सही है, ठीक, अगर नहीं मिला तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, और पोरस तो वो रहेगा और पानी सोखता रहेगा, उसमें दाग पड़ते रहेंगे और वो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है, जैसे सामने आपने देखा, उसको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। मार्बल को आपको साफ डेली करना पड़ सकता है अगर आपको वैसी ही शाइन या वो चाहिए। अगर हम मार्बल की लाइफ की बात, मैं पहले मार्बल पे पूरी आपको थ्योरी पूरी चीज़ें बता देता हूँ मार्बल पे, फिर टाइल पे जाऊँगा, फिर मैं आप पे चूज़ करने को छोड़ूंगा और खुद में बताऊँगा कि मेरे हिसाब से क्या करना है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में अभी, तो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, ठीक है। तो 25 साल तक मार्बल को अच्छी लाइफ रहती है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, मतलब कि आपको 20-25 साल तक मार्बल रखना, मतलब कुछ फ्लोरिंग रखनी है, तो मार्बल बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें भी बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, अगर अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगाओगे, ये नहीं है कि रूह पूरी करनी है कि मेरे को मार्बल लगाना है तो जो 20 रुपये स्क्वेयर फीट, 30 रुपये स्क्वेयर फीट, ये आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर भी मिलती होंगी कि मार्बल कौन सा क्या अच्छा है या टाइल, वो काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन इसमें आपको सब कुछ पता चलने वाला है।
तो 20 से 30 रुपए 40 रुपए पर स्क्वायर फीट जो मार्बल आता है ना, वो मेरे ख्याल में वो मार्बल लगाना नहीं चाहिए। तब तो मार्बल आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर आपको मार्बल लगाना है तो अच्छी क्वालिटी का मार्बल लगाना है जो 80 से 90 रुपए स्क्वायर फीट स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, कुछ लोग आपको 30 से 40 रुपए वाला 80-90 में बेच देंगे, लेकिन क्वालिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। और एक अच्छे वेंडर से आप लेते हो तो वो चीज़ अच्छी है। एक तो अच्छी क्वालिटी का मार्बल अगर आप लगाते हो तो आपको अप्रॉक्स 200 से 250 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ता है। उसमें आपकी देखो, इसकी इंस्टॉलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम बात करें, एक रूम है कोई आपका 12x12 का, उसमें अप्रॉक्स 5 से 6 दिन लग जाएंगे आपके उसको फिक्सिंग करने में। और अगर हम टाइल की वजह से देखें, एक दिन में वो सब कुछ कंप्लीट कर देगा उसमें। क्योंकि अगर मार्बल की हम बात करते हैं, उसमें कटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ग्राइंडिंग, फिर पॉलिशिंग, फिर फिनिशिंग, ये काफ़ी ज़्यादा। और वेस्टेज सबसे ज़्यादा वेस्टेज किसमें देखी जाती है? मार्बल में। तो मार्बल की चीज़ें बता रहा हूँ, अभी टाइल पे आने वाला हूँ, उसका भी काफ़ी चीज़ें वो होती हैं। लाइफ अगर ज़्यादा चाहिए, और एक चीज़ का डिसएडवांटेज और है, अगर आपका विंटर एरिया में मतलब नॉर्थ वाली साइड हो, पहाड़ों वाली साइड हो, तो वहाँ मार्बल लगाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मार्बल हमेशा रहता है ठंडा। जैसे विंटर आएगा ना, आप मार्बल पे चल नहीं पाओगे, इतना ठंडा मार्बल मोस्टली रहता है। तो वो दिक्कत भी आती है आपके घर में, कोई ओल्ड एज का है तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस चीज़ में। मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा टफ है, और जहाँ पे हाई ट्रैफिक चलते फिरते रहना है वहाँ पे मत मार्बल लगाओ, क्योंकि अगर मैंने 25 साल उसकी लाइफ बोली है तो लाइफ तो उतनी रहेगी, लेकिन उसका कलर डल हो जाता है, फिर आपको फिर से पॉलिशिंग उस पर घिसाना पड़ सकता है मार्बल, ये चीज़ भी होता है। और जो अच्छा मार्बल की जैसे मैंने कहा, वो 250 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको टोटल कॉस्ट उसकी पड़ने वाली है। अगर इटालियन अच्छी ब्रांड के साथ जाते हो तो 450 से 850 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का मार्बल का खर्चा आपका पड़ना पड़ जाता है, ये चीज़ भी होता है। और वही मेन चीज़ है, अगर मार्बल लगाने जा रहे हो तो फेक मार्बल कभी नहीं लगाना, अच्छे क्वालिटी का लगाओ तो सही। अभी आते हैं हम टाइल पे। देखो टाइल किस, अगर टाइल में डिसएडवांटेज की एक बात करूं तो इसकी, देखो लाइफ की अगर हम बात करें, लाइफ इसकी है 15 से 20 साल, मतलब लाइफ उससे कम है। ये नहीं है कि मार्बल के बराबर है टाइल, मार्बल की लाइफ, टाइल की लाइफ कम है, लेकिन उसमें कलर ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आजकल, विट्रीफाइड टाइल्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये सेरेमिक और विट्रीफाइड का भी यही दुख है, अगर आपने सेरेमिक टाइल फ्लोर पर लगा दी ना तो 5 से 10 साल भी नहीं निकाल पाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो फ्लोर पे अगर विट्रीफाइड टाइल लगाते हो तो आपको मार्बल जैसी लुक वो देने वाला है। कजारिया की 12 mm का जो मार्बल टाइप टाइल आती है वो टोटली किसकी तरह दिखते हैं? मार्बल की तरह, मतलब लगा लो आर्टिफिशियल मार्बल बनाया गया होता है। 12 mm उसकी थिकनेस होती है, और लंबा भी वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, मतलब अप्रॉक्स मेरे ख्याल में वो 6 से 7 फुट लंबा होता है और 3 फुट ऐसे चौड़ा होता है, तो वो पूरा मार्बल की शेप देता है। अगर आपको टाइल में जाना है तो वो मार्बल की तरह आप लगा सकते हो। और अगर हम प्राइस की बात करें तो 40 रुपये से एक अच्छी टाइल विट्रीफाइड, एक अच्छी टाइल HD फिनिश वाली, एंटी स्किड सब कुछ होगा, वो 40 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। अगर टोटल खर्चे की बात करें तो 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी टाइल आप अपने घर में लगा सकते हो। उसमें जो कलर आपको चाहिए, जो आपको फिनिशिंग चाहिए, सब कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो इस समय अगर आप चाहते हो कि लाइफ टाइम, लंबे समय तक मैं फ्लोरिंग चलाना चाहता हूं, तो एक अच्छा मार्बल लगाओ, खर्चा उसमें ज़्यादा होगा, एक गारंटी है। खर्चा इससे टाइल अगर आपके घर में 1 लाख रुपए की लग रही है तो मार्बल का खर्चा 2,20,000 तक होगा, अगर अच्छा टाइल। अगर सस्ते में जाओगे तो फिर आप 30 रुपये पर स्क्वायर फीट भी लगा सकते हो, जो पैनल्स आते हैं छोटे छोटे वो लगा दो, रू पूरी कर लो कि हमें मार्बल लगा दिया। लेकिन अगर अच्छे से चाहिए तो आपका 200 रुपया 250 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ेगा अच्छा मार्बल, और वैसे ही टाइल, अच्छी टाइल आपको 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट में पड़ जाएगी। देखो अभी मैं चूज़ करने पे आप पे छोड़ता हूँ क्या चूज़ करना है। मेरे ख्याल में इस समय अगर आप टाइल के साथ जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखो अब मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती टाइल की, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस की नहीं है, जहाँ पानी होता है वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और स्लिप का चांसेस नहीं है, और मार्बल पे स्लिप के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर थोड़ा पानी गिरा तो उसमें स्लिप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन टाइल में वहाँ एंटी स्किड स्किट आती है, जितना मर्जी पानी होगा स्लिपेज के चांसेस नहीं होगे। उसमें ग्लेज्ड नॉन ग्लेज्ड टाइल्स आती हैं, वो उसमें मतलब टाइल में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा, सब कुछ है क्योंकि ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर हम मार्बल में जाते हो तो आपको कोई ब्रांड का नाम नहीं मिलेगा, सब बोलेंगे मकराना है, राजस्थान से आया, तितली है, सो मतलब काफ़ी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आप उसको जज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इंस्टॉलेशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो मेरे ख्याल में टाइल इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
और अच्छी टाइल ढूंढो, कजारिया की, कोई भी बर्मोरा की, कोई बड़ी बड़ी ज़्यादा कंपनीज है तो उनकी टाइल लगवा लो तो सही रहेगा, बाकी आप इन्वेस्ट करने वाले हो। और ये नहीं है कि मार्बल बिल्कुल ख़राब चीज़ है, मार्बल अगर अच्छा क्वालिटी का मार्बल आप लगाते हो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बस थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत उसको पड़ती है। कि अगर हम वॉल टाइल लगा रहे हैं, फ्लोर टाइल लगा रहे हैं, स्कर्टिंग, मार्बल, कोटा या मोल्डिंग करवा रहे हैं तो उसका खर्चा कितना पड़ता है, लेबर रेट क्या पड़ता है आपको वो बताऊंगा। मार्केट में अच्छी टाइल कितने रुपए स्क्वायर फीट मिल रही है ये बताऊंगा। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे हम, 1000 स्क्वायर फीट अगर घर है उसमें लमसम हमारा कितना टाइल पे खर्चा आ जाता है। अगर हम टाइल फिक्सिंग करवाते हैं वॉल पे, और वॉल पे हमेशा ध्यान रखना आपको कौन सी टाइल फिक्स करवानी है, विट्रीफाइड टाइल ही होनी चाहिए। विट्रीफाइड, इस पे वीडियो आएगी कल या एक दो दिन में आने वाली है, विट्रीफाइड। और जो आप कहाँ पे, फ्लोर पे, और वॉल पे कौन सी, सेरेमिक टाइल। इसको क्या फंडा है, क्यों लगाने, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो फ्लोर टाइल फिक्सिंग का हमारा चल रहा है 14 से 18 रुपया स्क्वायर फीट मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है। तो अगर आप वॉल की करवाओगे तो 14 से 18। अगर हम जाते हैं फिर वॉल की तरफ तो वो पड़ता है हमें 16 से 18 रुपया, क्योंकि वॉल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जो टाइल होती है वो भी छोटी रहती है, 1x2 की या 350x450 की, लेकिन जो फ्लोर की रहती है वो 2x4 का पीस आ रहा है या 2x2 का पीस आ रहा है, तो बड़ा बड़ा होता है, फिक्सिंग में इजी होता है और वॉल में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए 16 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। और अगर जिसको मेजरमेंट नहीं आती है कि कैसे हम मेजरमेंट करते हैं कितना एरिया हुआ, तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर हम स्कर्टिंग करते हैं, और स्कर्टिंग होती क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्कर्टिंग होती क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो ये जो वॉल है हमारी और नीचे फ्लोर टाइल है, और सामने जो है इससे हम स्कर्टिंग बोलते हैं। मैं थोड़ा फोकस करके आप बता देता हूँ, ये हमारी ये जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्कर्टिंग बोलते हैं। तो ये स्कर्टिंग हो गई, तो इसका जो रेट चल रहा है लगाने का वो चल रहा है 10 से 12 रुपया स्क्वायर फीट। ये रनिंग फीट में मोस्टली ली जाती है, अगर रनिंग फीट में ली जाती है तो वो सेम रेट लेते हैं 14 से 18 रुपया, 10 से 12 रुपये स्क्वायर फीट इसका रेट चल रहा है। फिर मार्बल की अगर फ्लोरिंग करवाने जाते हो, ये लेबर रेट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेबर रेट, ये मटेरियल के साथ नहीं, मटेरियल के साथ भी आगे बताऊंगा कि अगर आपको मटेरियल के साथ करवाना है तो उसका कितना खर्चा पड़ेगा। मार्बल फ्लोरिंग करवाते हो आप तो 21 से 24 रुपये पर स्क्वायर फीट वो लेबर रेट चल रहा है। 21 से 24 क्यों मैं लेके चल रहा हूँ, कई जगह 21 रुपये होगा, कई जगह 22, 23, 24 ऐसे रेट रहता है। मार्बल की जो रबिंग करवाई जाती है, घिसाई करवाई जाती है, उसका रेट होता है 8 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो घिसते हैं, मतलब जो आप एक बार मार्बल डर गया उसका घिसाई का अलग। लेकिन ये जो मैं फ्लोरिंग का बताया कंप्लीट 21 से 24 रुपए में पूरा कंप्लीट आ गया इसमें, इसमें वो फिक्स लेइंग भी करके देगा, लगा के भी देगा और रब करके भी देगा। अगर अकेला आपको सिर्फ रब करवाना हो तो 8 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट वो खर्चा इस समय चल रहा है। फिर मार्बल की स्कर्टिंग जब हम लगाते हैं तो उसका क्या खर्चा चल रहा है, वो चल रहा है 18 से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट मार्बल की स्कर्टिंग लगाने में, स्कर्टिंग समझ के क्या होती है। फिर जब कोटा स्टोन की बारी आती है तो कोटा स्टोन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 14 से 15 रुपए स्क्वायर फीट लेबर रेट, और कोटा स्कर्टिंग अगर लगानी है 8 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको एक आइडिया रहेगा, कभी भी आप कॉन्ट्रैक्टर करने जाओगे या आप खुद मेजरमेंट कर रहे हो, एक एस्टिमेट कर सकते हो अगर आपको प्राइस पता है। फिर हम बात करते हैं मोल्डिंग करवाते हैं, जो हम आपने मार्बल देखा होगा उसको फेस जो रहता है उसको फिनिशिंग करते हैं, हाफ मोल्डिंग का खर्चा होता है 15 से 18 रुपए पर स्क्वायर फीट, और फुल मोल्डिंग आपको करवानी हो 19 से 22 रुपए पर स्क्वायर फीट। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं, अगर आपको देखो क्या करना है, अगर आपको विद मटेरियल वो देना होता है, मतलब विद मटेरियल किसी को काम देना है टाइलिंग का, तो 80 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट चलती है। लेकिन जब आप किसी को फुल कॉन्ट्रैक्ट दोगे कि मेरा टाइल भी तू लाएगा और फिक्सिंग भी तू करेगा, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना, टाइल उसमें खुद पसंद करना और फिर फिक्सिंग के लिए देना। क्योंकि अगर मैं बात करूं, एक अच्छी टाइल आपका 45 से 65 रुपए तक पर स्क्वायर फीट अच्छी टाइल मिल जाती है, जिसमें HD भी मिल जाती है, डबल ग्लॉस भी मिल जाती है, तो 45 से 65 रुपए में। और जब आप जाओगे तो उसमें आप 65 वाली भी चूज कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर फुल मटेरियल दे दोगे वो अपने से टाइल भी लगा देगा, क्या पता 30 से 40 रुपए पर स्क्वायर फीट लगा दे। क्योंकि अगर हम बात करें मार्केट में आपको 20 रुपए से
100 रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से अच्छी टाइल मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 20 से ही स्टार्ट हो जाती है। उसमें सेरेमिक होती है, सेरेमिक अगर फ्लोरिंग में लगा दी तो कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगी, टूट भी सकती है। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है जब भी आप फुल मटेरियल के साथ देना है विद मटेरियल। 80 से 90 रुपये पर स्क्वेयर फीट चल रहा है, क्लियर। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारा 1000 स्क्वेयर फीट का घर है, अगर उसमें हमें टाइलिंग करवानी है तो हमें टोटल कितना खर्चा मिलेगा पड़ेगा। एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, कल वीडियो आई थी, एक रूम था हमारा, उसमें टोटल कितना खर्चा हमारा पड़ेगा वो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, काफ़ी अच्छे लोग कमेंट्स भी आ रहे हैं, सीख रहे हैं लोग उसमें से। तो हम लेते हैं विट्रीफाइड टाइल जो है, जो आपने स्टार्टिंग में टाइल देखी वो 65 रुपये पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से टाइल थी, ब्लैक कलर की, जो काले कलर की आपने देखी, कजारिया की टाइल। और कौन सी अच्छी कंपनी की टाइल होती है, इस पर वीडियो बना चुका हूँ, वो भी जरूर देखनी है। एक अलग से प्लेलिस्ट इसलिए मैंने बना दिया कि आप जब चाहे देख सकते हो और पूरी कंप्लीट एक ही जगह पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। विट्रीफाइड टाइल चल रही है 65 रुपये पर स्क्वेयर फीट, तो 1000 स्क्वेयर फीट का घर है तो हमारा टाइल खरीदने का खर्चा पड़ जाता है सीधा 65,000 रुपये हमारा सीधा किसमें पड़ेगा, सिर्फ टाइल लेने में। टाइल आ गई घर पे, फिर लेइंग कॉस्ट जो होती है मतलब उसको लगाने का, उसमें हमें रिवर सैंड भी लगती है, उसमें हमें सीमेंट भी लगता है और लेबर भी लगती है, ये तीन चीजें लगती है। उसका 80 रुपये पर स्क्वेयर फीट मैंने ले लिया। 80 रुपये में क्या, रिवर सैंड का हम बात करें 50 रुपये पर स्क्वेयर फीट पर क्यूबिक फीट आ रहा है हमारा सैंड। सीमेंट हमारा 400 से 450 रुपये का बैग आता है और लेबर कॉस्ट हमने ले लिया, तो टोटल लमसम मैंने 80 रुपये ले लिया। आप ऐसे एस्टिमेट कर सकते हो, रफ एस्टिमेट इसको बोल रहा हूँ कि आपको निकालना हो एकदम से कि आपके घर पे कितना खर्चा आने वाला है, आप निकाल सकते हो। 80 रुपये ये लिया, 1000 स्क्वेयर फीट का घर है तो 80,000 रुपये हमारा किसका हो गया, लेइंग कॉस्ट। फिर जो वॉल की स्कर्टिंग होती है, जो स्कर्टिंग मैंने आपको दिखाई, स्कर्टिंग का 25% होता है किसका, जो लेइंग कॉस्ट आपकी हमारी बन रही होती है उसका 25% खर्चा हमारा इसमें लग जाता है, स्कर्टिंग में। तो उसमें लेबर भी आ गया, सीमेंट भी आ गया, इसमें सैंड नहीं डालती स्कर्टिंग में, याद रखना। तो ये 25% लेइंग कॉस्ट आ गई, लेइंग कॉस्ट आ गई, तो 25% हमने इसका 25% किया 80,000 का, 20,000, मतलब टोटल 1000 स्क्वेयर फीट का घर है। एक अच्छी टाइल लगाते हो आप साहब 65 रुपये पर स्क्वेयर फीट वाली, कजारिया की जहाँ कोई भी ब्रांडेड या अनब्रांडेड, तो आपको 1,65,000 तक का खर्चा पड़ सकता है लमसम। और जब टाइल लग जाती है तो लास्ट काम जो बचता है वो होता है ग्राउटिंग का, जो हमने ग्रुप छोड़ा होता है बीच में, दो टाइल के बीच में जो जगह रहती है वो हमने 2 से 3 mm या 4 से 5 mm हमने वो ग्रुप रखा होता है उसका फिलिंग का। लेकिन उसमें अगर आप अच्छे से मटेरियल नहीं फिल करोगे, कोई अच्छा मटेरियल नहीं रहेगा, तो थोड़े टाइम बाद वो पपड़ी बन के निकल जाएगा या धीरे धीरे पानी के साथ पोछा जो आप लगाते हो उसके साथ वो निकलता जाएगा। अगर आपने कर दिया बाइट सीमेंट उसमें यूज़, तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आपने पानी के साथ मिक्स करके एपॉक्सी डाल दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। कि कौन सी कंपनी का एपॉक्सी ग्राउट अच्छा होता है, तो कौन सा ग्राउट हमें करना होता है, सैंडेड, नॉन सैंडेड या एपॉक्सी ग्राउट, 3-4 टाइप के ग्राउट होते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कितना एरिया के लिए क्वांटिटी निकालनी पड़ती, कितने एरिया में कितना ग्राउट हमें चाहिए, वो कैसे क्वांटिटी हम निकालेंगे, और एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ इपॉक्सी ग्राउट के, उसकी हम पूरी डिटेल देखेंगे, तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। और प्रोसेस आपको पता चलेगा कि ग्राउटिंग करने का सही प्रोसेस क्या होता है, कि आपकी ग्राउट 10 से 15 से 20 साल तक टिकी रखे, ना उसकी कलर फेड होगा, ना उसमें डस्ट आएगी। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो सामने यूज़ की जा रही है ये इपॉक्सी ग्राउटिंग की जा रही है, और इसकी गारंटी भी रहती है 15 से 20 साल तक, इसको कुछ नहीं होगा, एंटी फंगल रहेगी, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग है और 100% स्टेन फ्री ये कहा जाता है एपॉक्सी के लिए। इसका पहले प्रोसेस देख लो, इसको मिक्स कैसे किया जाता है। एक गलती की जाती है, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें रेजिन भी है और केमिकल रहता है, टोटल इसको मिक्स करके लगाया जाता है, लेकिन कुछ जगह क्या किया जाता है, इसमें पानी डाल दिए थे, और जब पानी एक बार इसमें डाल दिया तो वो ख़त्म हो गया, वो इसका कुछ फंड ही नहीं रहा, थोड़ा कॉस्टली रहता है एपॉक्सी वाला। इसको साथ में देखते जाइए, थोड़ी चीज़ें सुनते जाना, मैं बोलता जाऊंगा जो। तो इसमें 3-4 टाइप की ग्राउट आती है, सैंडेड आती है, सैंडेड से वर्ड पता चल रहा है, सैंड की तरह वो दिखेगी, थोड़ा उसका रफ फिनिश आएगा। नॉन सैंडेड रहती है जिसमें ऑयल वेस्ट थोड़ी रहती है, फिर आती है इपॉक्सी वाली, और इपॉक्सी वाली सबसे अच्छी है मेरे ख्याल में। इपॉक्सी ग्राउटिंग करते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहीं जगह क्या किया जाता है, वाइट सीमेंट यूज़ किया जाता है,
मतलब ग्राउट की जगह वाइट सीमेंट, सीमेंटेड बेस ग्राउट यूज की जाती है, वो कभी यूज नहीं करनी है। उसमें क्रैक्स आते हैं, थोड़े टाइम बाद वो निकल के जाती है, निकली जाती है। तो आपको वाइट सीमेंट कभी यूज नहीं करना। आप देखना, आप पुराने टाइम में अगर आपने यूज कर दिया पुराने टाइल कोई है, तो बीच में देखना उसमें कई जगह से निकल गया होगा, कई जगह काली पड़ गई होगी, कई जगह खड्डा पड़ गया होगा। तो ये काफी चीजें होती हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में भी ग्राउट की लाइफ कम हो जाएगी और वो खराब दिखती है। तो ये सामने जो ब्रांड यूज़ किया जा रहा है वो लैटीक्रीट ब्रांड यूज़ किया जा रहा है, माइक लैटीक्रीट आता है। सबसे अच्छा मैं इसी को प्रेफर करूँगा, मैं कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा इसकी, आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आते हैं, फ्लोरेक्स के आते हैं, पिडिलाइट के आते हैं, एशियन के आते हैं, काफ़ी चीज कंपनीज के इपॉक्सी ग्राउट आते हैं। लेकिन मैं खुद जो यूज़ किया मैं वो प्रेफर कर रहा हूँ लैटीक्रीट। अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, इसका मिक्सिंग का प्रोसेस सब कुछ लिखा हो। तो मैं आगे आपको लैटीक्रीट के बारे में सब बताने वाला हूँ और कितने एरिया में कितना लगेगा। देखो एक थंब रूल मैं बता देता हूँ जो हमारे एरिया में लगा, अगर आपका अप्रॉक्स 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया है, ग्रूव आपका लगा लो 3 mm ग्रूव रखा है और टाइल की विड्थ डेप्थ है 6 mm थिकनेस, तो आपका 4 से 5 kg उसमें ग्राउट लग जाएगा। इसकी क्वांटिटी आप अच्छे से निकाल सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसमें बस बेसिक डिटेल डालनी है और आपकी क्वांटिटी निकल आएगी, वो बात रही बात की। लेकिन इसको लगाने का प्रोसेस आप सामने देख रहे हो, तो इसको फिलअप करना पड़ता है। ये जो आप ब्लेड देख रहे हो इसकी हेल्प से, पत्ती बोलते हैं, पत्ती की हेल्प से आपको वो फिलिंग करना होता है। और थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको बनाते जाना है, फिर उसके बाद उसको आपको फिल करते जाना है, क्योंकि अगर एक साथ बना दोगे इसमें एक गम होता है वो सेट हो जाएगा जल्दी। तो आपको थोड़ा बना के, थोड़ा लगा के फिर नेक्स्ट जो लॉट होगा उसके लिए बनाते जाना। लैटीक्रीट कंपनी की अगर हम बात करें तो आपको 30 से 40 कलर इसमें मिल जाएंगे, जैसा भी आपका टाइल का कलर है। इसमें आपको जो रात को चमकती है वैसी मिलेगी इपॉक्सी, काफ़ी टाइप की इपॉक्सी आपको आती है। तो इसका जो प्राइस है अगर हम बात करें, 700 से 800 रुपए पर केजी आपको पड़ सकता है किसका, लैटीक्रीट का। आपको सस्ते मिलेंगे 200 300 400 वाले, लेकिन अगर लैटीक्रीट का यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोलेगा। अब भी हम थोड़ा लैटीक्रीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइक लैटीक्रीट ये जो है SP100, ये ग्राउट हमने यूज़ की है, इपॉक्सी ग्राउटिंग है। तो इसमें जो ये इसकी बकेट रहती है इसमें पूरा मेंशन होता है, तो कि आपको कितना ग्राउट लगेगा कितने एरिया में। अगर हम बात करें टाइल साइज मेंशन है, 100x100 की टाइल है, अगर इसको मैं फोकस कर लेता हूँ 3 mm है, तो 264 स्क्वायर फुट वो कर लेगा। अगर एक यूनिट है मतलब 5 kg आपका 264 स्क्वायर फुट में हो जाएगा। फिर वैसे 150 इसमें सब मेंशन होते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। फिर हम इसकी बात करते हैं, देखो इसमें मेंशन है कि आपको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इसी एक अच्छा, अगर हम ब्रांड बोलेंगे, एक अच्छा ब्रांड है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और फिर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें इन्होंने 5000 पर केजी लिखा है, लेकिन ये आपको 3500 से 3600 तक 5 kg मिल जाएगा, मतलब 700 से 800 रुपये पर केजी आपको मिलेगा। मिडनाइट ब्लैक कलर लिया था हमने लैटीक्रीट, क्योंकि टाइल हमारी ब्लैक थी। और इसमें आपको 40 कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, एक नॉन फ्लेमेबल है, मतलब जलेगा नहीं जल्दी। और इसमें एक चीज़ देखना, इसके बकेट के दूसरी साइड वो लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, 100% स्टेन फ्री है, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है, केमिकल टेम्परेचर इसमें एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है। तो ये है इपॉक्सी, इसमें आपको सैंडेड भी मिलेगी, नॉन सैंडेड मिल जाएगी, इपॉक्सी मिल जाएगी, जो आपको सही लगे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है, आपने प्रोसेस भी देख लिया कि कैसे हम इपॉक्सी ग्राउटिंग करते हैं, और आपको वाइट सीमेंट वेस्ट कभी यूज़ नहीं करनी। देखो जैसे ही हमारा टाइल का वर्क कंप्लीट होता है तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ता है, लेकिन पे करने से पहले चेक कर लेना आप अगर उसको 16 रुपये पर स्क्वायर फीट या 17 रुपये 18 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, क्या उसने उस क्वालिटी का काम आपको करके दिया है कि नहीं दिया है, ये आपका चेक करने का फर्ज बनता है। तो आज कुछ ऐसी ही मैं 8 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जैसे आपकी टाइल वर्क कंप्लीट हो जाता है आपको पे करने हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उससे पहले क्या चीज़ें चेक करनी है कि आप उसका डिडक्शन कर सको, आप पैसा थोड़ा कम कर सको कुछ रीजंस को लेके कि ये गलती है तो इसका हमें वो दो। क्योंकि एक बार पैसे दे दिए फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो ना सही करके देगा ना वो देखने चेक करने आएगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपको क्या देखनी है, जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है, स्कर्टिंग सब समझ रहे हो स्कर्टिंग की होती है, जो सामने आप देख रहे हो स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है, उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1:1 में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफ़ी बड़ी गलती होती है, अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा
वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलने लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डेडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण? कि उसको जहाँ जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगली हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना है। जहाँ साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह खाली सी साउंड लग रही, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोर्टार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगर बाई चांस उस पर हैवी लोड नहीं, अगर कोई ज़ोर से चलेगा भी तो वो टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो अगर खाली नहीं होगी नीचे से, कुछ ऐसी टाइल वो दिखेगी जैसे आप मारोगे। तो ऐसे आपको किसी भी चीज़ से आप मार के देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ नीचे खाली है, यहाँ नहीं, और ये आपको दिखा सकते हो उसको। और ये काम आपको तब कर लेना है जब आपकी ग्राउटिंग नहीं हो। एक बार ग्राउटिंग हो जाए फिर काफ़ी दिक्कत हो जाती है सब सही करने में। अगर ग्राउटिंग नहीं हुई है उससे पहले चेक करके आपको उसको बता दो, वो सीमेंट स्लरी बना के नीचे डाल देते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट उससे ठीक हो जाता है, मतलब बजना और थोड़ा कम हो जाता है, मतलब सही हो जाता है, ये आपको चेक कर लेना। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जो भी ग्राउटिंग की जाती है, आप ग्राउटिंग देख रहे हो, ग्राउटिंग क्या होती है, हम ग्रुप छोड़ते हैं 3 से 4 mm का, तो वो प्रॉपर ग्रुप छोड़ के उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको चेक करना बनता है। क्योंकि देखो, अगर उसमें प्रॉपर ग्राउटिंग नहीं होगी, आगे पीछे होगी या कुछ चीज़ें खाली रहेगी, जैसे यहाँ खाली रहेगी, बहुत बड़ी गलती होती है, तो आपको जो भी कलर की ग्राउटिंग है वो चेक कर लेंगे प्रॉपर उसमें फिल की है नहीं की है, फिर जहाँ वाइट सीमेंट लगाया जाता है वहाँ वाइट सीमेंट लगा है नहीं लगा है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर ही उसको आपको पे करना होता है। अगली चीज़ आपको देखनी है, जो बाथरूम है, किचन है, उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैन होल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखने की स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग गई दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा, लेकिन आप वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो, मन चाहा जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छी, तो किस चीज़ का पैसा है? ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा, ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। और दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि सीमेंट और सैंड ये सब चीज़ें काफ़ी यूज़ होती हैं जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, तो आपको चेक करना है जो टाइल होती है थोड़ी रफ सरफेस होती है, उसमें सीमेंट तो नहीं फंसा होता, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा है, जैसे सामने टाइल देख रहे हो यहाँ सीमेंट रह जाता है, और ये सीमेंट साफ करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरी टीम जैसे आप मार्केट से टाइल लेके आए थे वैसी आपको वहाँ दिखनी चाहिए, ये नहीं है कि आपको उसकी फिनिशिंग या सफाई करनी पड़े, तो वो इन्वेस्टमेंट किस बात की, तो ये आपको पहले ही उससे साफ करवानी है। और ये चीज़ आपको ध्यान तब रखनी होती है जब टाइलिंग वर्क हो रहा होता है, उसी दौरान आपको चेक करते रहना है डे बाई डे, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी अच्छी रहती है और साफ़ सफाई बनी रहती है, ये चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। अगली चीज़ जो टाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइल है, आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है, वो बोलता है कि टाइल बेंड आ रही है, जो पीछे से ही बेंड है। चलो कुछ टाइल बेंड आती हैं, गजारिया की मोस्टली टाइल मैंने देखी है 2x4 की, जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बेंड रहते हैं, ये गजारिया की बहुत ख़राब चीज़ है, डिसएडवांटेज है। इतना आदमी 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी अगर बेंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये मोस्टली आती है इसकी। तो आपको क्या करना है, जो उसके 4 कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो 4 कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे मिलने चाहिए, 4 कॉर्नर। अगर वो 4 कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइल ही बैंड है। अगर वो 4 कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये 4 कॉर्नर ही नहीं मिले हैं तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो। अगर एक बार
क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा, चारों कॉर्नर मिलाएगा एक लेवल पर, वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पर मिल जाते हैं, फिर बीच में से अगर बाई चांस बैंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज़्यादा नहीं, इतनी ज़्यादा बैंड भी नहीं होती, 1-2 mm का बैंड होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और 1-2 mm का बैंड भी काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बैंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए, ये चीज़। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसिड वाश के बारे में, ये कमेंट्स भी काफी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज करते हैं एसिड वॉश, एसिड वॉश क्या हुआ वो, जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ किया जाता है, जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज करके साफ करते हैं, क्या हमें वो यूज करना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज़ करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज़ करना चाहिए। देखो ये ख़राब चीज़ है, मेरे ख्याल में एसिड वाश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वाश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसनट्रेटरी फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे, जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेंट हो सकता है। सेरेमिक टाइल पे इस ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से, तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो। इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी, अगर डेली साफ़ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना है। तो ये कुछ चीजें होती हैं कि आपको ये चेक करनी है। मैंने आपको टोटल 7 चीजें बताई, पैसे देने से पहले ये चेक कर लेना कि ये सही है नहीं है, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ ये टाइल की सीरीज़ ख़त्म हो रही है, प्लेलिस्ट इस पर बन चुकी है, 6-7 वीडियोस थी, जो वीडियोस आप 6-7 देखोगे आप गारंटी है सीख जाओगे कि कैसे टाइल लगवानी है, क्या रेट है, वो सब चीज़ें उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, सब में प्लेलिस्ट अलग से है, टाइल वर्क पे हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ में भी ऐड है ये सब, तो आप देख के आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो दिमाग में एक पॉइंट पे ये क्वेश्चन जरूर आता है कि पेंट पहले करवाना चाहिए या टाइल, दोनों में से कौन सा पहले करवाएंगे तो सही रहेगा और किस में सही तरीका रहता है वो मैं बात करूंगा आज। चलो पहले हम करते हैं टाइल। अगर हमने पहले टाइल का काम करवा दिया तो होता क्या है, देखो जैसे टाइल का काम करवा दिया और जब पेंट वाले आएंगे तो पेंट का क्या होगा, स्क्रैचेस आएंगे, क्योंकि जो उनका स्टेयर्स लेडर्स होती हैं या स्काफोल्डिंग का मटेरियल है, क्योंकि उनको पेंटिंग को सीलिंग के लिए करने के लिए उनको स्काफोल्डिंग चाहिए, दीवार के लिए वो चाहिए, तो जब वो मूवमेंट करेंगे तो टाइल पे स्क्रैचेस आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हो गया पहले अगर हम टाइल करते हैं, फिर आगे मैं अपना ओपिनियन भी बताता हूँ और सही तरीका क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए, वो आगे मैं बताने वाला हूँ। दूसरा होता है चलो हम पहले पेंट कर लेते हैं फिर टाइल करेंगे, तो इस केस में क्या होता है, जब टाइल का वर्क स्टार्ट होता है, होता क्या है, जो स्कर्टिंग होती है साइड पे पट्टी लगाई जाती है उसे स्कर्टिंग बोलते हैं, वो लगाते हैं तो सीमेंट स्प्लैश होता है ऊपर दीवारों पे, तो आपका पेंट खराब होगा। और जब टाइल की कटिंग की जाती है, उसको काटा जाता है, उसमें से डस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलती है, वो डस्ट आपकी सीलिंग तक भी जाएगी और दीवारों पे भी लगेगी, खिड़कियों पे, तो काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ जाता है अगर हम पहले पेंट करवा लें फिर पेंट करें टाइल करें, दोनों केसेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सबके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन होगा कि तो करें क्या, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे ख्याल में पेंट का काम अगर आप लगवाते हो, ठीक है, पेंट वर्क, तो उसमें आप 50-60% वर्क करवा लो। 50-60% कैसे, देखो उसमें आपको पुट्टी तो करवानी है, पुट्टी का 1-2 coat आप परवेले करवा लो, और सीलिंग का जो रहेगा, सीलिंग में उतनी डस्ट कम लगती है एज़ कम्पेयर टू वॉल, तो सीलिंग भी करवा लो, सीलिंग पे पुट्टी हो गई, जो भी वर्क है सीलिंग का, पेंट हो गया तो पेंट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो हो जाता है उसके बाद आप टाइल वर्क स्टार्ट कर दो, उसके बाद जैसे मतलब सिंगल, मतलब 50-60% हमारा पेंट का काम हो गया, जो फिनिशिंग कोट है किसी भी दरवाजे का, दीवार का, या कहीं फिनिशिंग कोट मत मरवाना। फिनिशिंग कोट कब करवाना है, फिनिशिंग कोट करवाना है आप टाइल का काम करवा लो उसके बाद, ठीक है, टाइल का काम हो गया, टाइल का कंप्लीट हो गया, तब डस्ट वगैरह आएगी थोड़ी बहुत दीवारों पर, तो हो गया टाइल का काम कंप्लीट हो गया, फिर जो पेंट का काम बचा होगा उसको आप करवा दो, लेकिन जो टाइल आपकी लगी हुई है उसको सेफ्टी के साथ करवाना है, काफ़ी मैट भी आते हैं, प्लास्टिक की शीट्स आती हैं, वो बिछवा दो। दूसरी चीज़, जो आपकी स्काफोल्डिंग मटेरियल होगा, पोड़ी होगी जिसे हम लैडर बोलते हैं, लैडर के नीचे कपड़ा या कुछ बांध के, तो उस हिसाब से बाकी वर्क करवा लो,
तो ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट तरीका रहता है। अगर आप पूरी चीज़ पहले पेंट करवा लोगे फिर टाइल करवाओगे तो पेंट गंदा हो जाएगा, और पहले टाइल करवा दोगे फिर पेंट करवाओगे तो टाइल टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तरीका हो सकता है एक और, कि आप कंप्लीट टाइल करवा लो पहले, नीचे फ्लोरिंग पूरी टाइल करवा लो, उसके बाद पेंट वर्क लगवाओ, लेकिन टाइल की प्रोटेक्शन के लिए आप शीट्स और जो स्कैफोल्डिंग लैडर मटेरियल उसके नीचे कपड़ा वगैरह ये सब चीज़ें बांध के आप करवा सकते हो। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले टाइल, फिर पेंट, या पेंट का 50-60% काम, फिर टाइल का और फिर पेंट करवा के कंप्लीट कर सकते हो। ये प्रोसेस रहता है। ऐसे भी हो सकता है आप क्या करो कि अपना जो उसका फ्लोरिंग का है टाइल या मार्बल लगवा लो, फिर आप उसका डोर और विंडो का काम करवा लो, इलेक्ट्रिक का काम करवा लो, फिर उसके बाद आप जाके पेंट का काम करवा सकते हो। ऐसे प्रोसीजर भी चल सकता है। बाकी एक वीडियो अलग से लाऊंगा स्टार्टिंग से एंड तक कैसे प्रोसीजर वाइज काम करवाओगे तो सही रहेगा, उस पर वीडियो ज़रूर आएगी। बस आप चैनल के साथ बने रहो और सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।